हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल और आई एम रिया। और आज की हमारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गोपाल एंड द हिल्स ऑफ फिश चैप्टर, जो एनसीईआरटी क्लास सेवेंथ इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके, इट वाज द सीजन फॉर हिल्स ऑफ फिश। फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्स ऑफ फिश। जो सीज़न था वो हिल्स ऑफ फिश का था, इसलिए जो फिशरमैन थे, इनकी जो मछुआरे थे, वो हिल्स ऑफ फिश के अलावा और किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचते थे। Fisherwoman sold nothing but hills of fish. Come by, the price of hilsa is down today. अब जो एक आदमी है वो बोल रहा है कि आओ hilsa fish को खरीदो, आज उसका दाम बहुत कम है। Householders could talk of nothing but hilsa fish. Householders यानी कि जो औरतें थी वो सिर्फ hilsa fish के बारे में ही बात करती। अब जो एक औरत है क्या पूछ रही है, हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा, यानी कि तुम कितने पैसे लोगे उस हिल्सा के लिए। यू वुडंट बिलीव इफ आई टोल्ड यू, आप विश्वास नहीं करेंगी अगर मैं आपको बताऊंगा जो फिशरमैन है वो यहाँ पर बोल रहा है। एंड इन द पैलेस टू द कोर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। और जो राजा का जो पैलेस था, जो राजा का जहाँ पर मतलब लोगों की जो परेशानियाँ थी वो सुलझाई जाती थी, वहाँ पर भी जो कोर्टियर्स थे यानी कि जो राजा को सलाह वगैरह देते थे, वो भी सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में बात करते। अब यहाँ पर जो कोर्टियर है वो क्या कह रहा है, योर मेजेस्टी यू शुड हैव बीन सीन द यूज हिल्सा आई कॉट इट वॉस। मतलब योर मेजेस्टी यानी कि सरकार, अगर आप देखते कि मैंने कितनी बड़ी हिल्सा पकड़ी थी, कितनी बड़ी हिल्सा पकड़ी थी। तो अब किंग क्या बोलते हैं, स्टॉप इट, किंग बोलते हैं बंद करो अपना। आर यू अ कोर्टियर और अ फिशरमैन, जो किंग बोलते हैं कि तुम एक कोर्टियर हो या फिशरमैन हो। द कोर्टियर फेल्ट साइलेंट, जो कोर्टियर थे वो बहुत ज़्यादा साइलेंट हो गए थे। एंड विद डाउन फास्ट, और वो अपनी आँखें जो थी वो नीचे करके हो गए। जो किंग थे उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि उन्होंने अपने कोटियर को इस तरीके से डांटा। आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज़ द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। जो किंग थे उन्होंने कहा आई एम सॉरी, मुझे मैं अपना आपा खो बैठा था, मैं गुस्से में इतना ज़्यादा वो हो गया था कि मुझे कुछ होश ही नहीं रहा, क्योंकि हिल्सा फिश का सीज़न है तो सब उसी के बारे में बातें करेंगे। नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। अब जो किंग है वो गोपाल से क्या बोलते हैं कि गोपाल भी नहीं रोक सकता है किसी को हिल्सा फिश के बारे में बात करने के लिए, वो भी 5 मिनट्स के लिए। ओह आई थिंक आई कुड योर मेजेस्टी, जो गोपाल है वो बोलता है कि हाँ 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 सरकार, मैं ये कर सकता हूँ। तो जो राजा हैं वो गोपाल को बोलते हैं, देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू वर्ड अबाउट इट। सो जो किंग है वो गोपाल को एक चैलेंज देते हैं कि गोपाल को एक बड़ी सी हिल्सा फिश पकड़ कर लानी है और उसे पैलेस तक लाना है, कोई भी उसके बारे में एक शब्द नहीं पूछना चाहिए गोपाल से। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मेजेस्टी, जो गोपाल है वो बोलता है सरकार मुझे आपका चैलेंज मंजूर है। अब जो गोपाल है अ फ्यू डेज लेटर, इनकी कुछ दिन बाद अपने घर में गोपाल क्या कर रहा है, वाई इज़ योर फेस हाफ शेवन। जो गोपाल की वाइफ है वो गोपाल से पूछती है कि तुम्हारा जो फेस है, तुम्हारा जो चेहरा है वो हाफ शेवन क्यों है। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ ह्यूज हिल्सा, जो गोपाल है वो बोलता है कि मैं तैयार हो रहा हूँ एक बड़ी सी हिल्सा लेने जाने के लिए। व्हाट्स द मैटर विथ यू, व्हाई आर यू स्मीयरिंग योरसेल्फ विद ऐश, जो गोपाल की वाइफ बोलती है क्या बात है तुम अपने फेस को ऐश से क्यों, मतलब ऐश क्यों लगा रहे हो, राख क्यों लगा रहे हो अपनी फेस पे। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश, मैंने तुम्हें बताया ना मैं एक हिल्सा फिश खरीदने के लिए तैयार हो रहा हूँ। लिसन टू मी प्लीज़, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स, व्हाट आर यू अप टू। सुनो मेरी बात, जो गोपाल की वाइफ बोलती है सुनो मेरी बात, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो इन बहुत ही फटे पुराने कपड़ों में और इस तरीके से तैयार होकर तुम नहीं जा सकते हो। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज, मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि मैं एक बड़ी सेल्सा खरीदने के लिए जा रहा हूँ। इट्स हैपन टू हिम ही इज़ गॉन मैड, जो गोपाल की वाइफ है वो बोलिए शायद गोपाल पागल हो गया। अब जब गोपाल वहाँ बाजार मार्केट जाता है तो वहाँ क्या होता है, गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द पैलेस, गोपाल ने बड़ी सी हिल्सा खरीद ली और पैलेस की तरफ जाने लगा।
तो एक बच्चा क्या बोलता है, मदर लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल। जो एक बच्चा है वो बोल रहा है, मम्मी देखो उस आदमी की तरफ, वो कितना कॉमिकल है। कॉमिकल मतलब जो इंसान ऐसा हो जिस पर हंसी आ जाए, हमें उस टाइप का इंसान है। फिर एक आदमी बोलता है ही मस्ट बी अ मैड मैन। फिर एक आदमी बोलता है कि वो शायद पागल इंसान है, हश आई थिंक ही इज़ अ मिस्टेक। फिर दूसरा एक आदमी बोलता है मुझे लगता है कि वो मिस्टेक है। मिस्टेक मतलब जो मतलब ज़्यादा भगवान वगैरह में मतलब साधु जिसे भी कह सकते हैं, साधु टाइप भी कह सकते हैं किसी को। अब ये गोपाल है वो कोर्ट में पहुंच चुका है, जो जो वहाँ पर जो दरबान है बाहर से जो गार्ड्स खड़े होते हैं वो क्या कहते हैं गोपाल से कि तुम्हें क्या चाहिए। गोपाल बोलता है मुझे किंग को देखना है। सो यू कांट सी द किंग। जो जो गार्ड्स थे वो बोलते थे कि तुम किंग को नहीं देख सकते, यहाँ से चले जाओ, गेट अवे विथ यू। गोपाल जो है वो नाचने लगा और ज़ोर ज़ोर से गाना गाने लगा। ये सारी बातें जो किंग थे उनके कानों तक पहुंची कि कैसे कोई आदमी जो है वो किंग से मिलने के लिए बाहर से डांस कर रहा है और ज़ोर ज़ोर से गाना गा रहा है। इनसाइड द पैलेस द मैन इज़ क्रेजी। कोई लोग बोल रहे कि मैन जो वो पागल है, उसे यहाँ से बाहर फेंक दो, आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी। जो गोपाल था बोला मुझे किंग से मिलना है, मुझे जाने को मिलना है। सो जो किंग है वो बोलते हैं कि उस आदमी को मेरे पास ले आओ। जो गार्ड थे उन्होंने कहा ठीक है सरकार। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग। जो गोपाल था उससे किंग के सामने लाया गया। फिर एक आदमी बोलता है ये तो गोपाल है। फिर एक आदमी बोलता है कि जो मैन है इनकी जो गोपाल है वो पागल हो गया, उसने अपना माइंड लॉस कर दिया, आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स। फिर एक आदमी बोलता है मुझे लगता है ये कुछ उसकी पागलपन की हरकतें या उसका कोई पागलपन जोक ही होगा। ऑल राइट गोपाल आउट विथ इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन। तो जो किंग है वो बोलते हैं ठीक है गोपाल, और तुम ये कौन से फैशन के कपड़े पहन के और कैसे तरीके से तैयार हो रखे हो। योर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। जो गोपाल है वो बोलता है सरकार शायद आप कुछ भूल रहे हैं। जो किंग होते हैं फॉरगॉटन समथिंग। जो किंग बोलते हैं नहीं तो मैं तो कुछ भी नहीं भूल रहा हूँ। फिर जो गोपाल है वो स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन द हिल्स ऑफ फिश टुडे, फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट नॉट अ सोल हैज स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्स ऑफ फिश। तो जो गोपाल बोलता है वो अपनी हिल्स ऑफ फिश को ऊपर करता है और बोलता है कि यहाँ मार्केट से लेकर पैलेस तक आने में किसी ने भी हिल्स ऑफ फिश के बारे में एक भी वर्ड नहीं कहा, और यहाँ कोर्ट में भी किसी ने कुछ नहीं कहा। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल। और जब गोपाल ने ये सब बात तो किंग को बताई, तभी जो किंग थे उन्हें याद आया कि उन्होंने एक चैलेंज गोपाल को दिया था। यहाँ पर जो थ्रो है उसका मतलब मारना नहीं है, यहाँ पर दिया था जो चैलेंज वो जो किंग थे उन्हें याद आया। जो किंग थे वो हा 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 करके उन्होंने गोपाल को कंग्रेचुलेट किया कि उसने फिर से एक इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल करके दिखाया है और वो जीत गया। सो आई होप गाइस कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर एवरीवन।